नागरिकता संशोधन के समर्थन में भाजपा द्वारा पानीपत में प्रदेश स्तरीय यात्रा निकाली गई। यात्रा स्काईलार्क के पास सर्कस ग्राउंड से शुरू होकर जीटी रोड से होती हुई बस स्टैंड, लाल बत्ती, रेलवे रोड से वापस सर्कस ग्राउंड में संपन्न हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सीएम, मंत्री, सांसद और विधायक सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। इससे पहले सर्कस ग्राउंड में राज्यसभा सांसद व प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके 6 जिलों के भाजपा के आला नेता ने शिरकत की। सर्कस ग्राउंड में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, विरोधी पार्टियां सीएए के पक्ष में गलत अफवाह फैला रही हैं। सीएम ने कहा, जो मुस्लिम परिवार नागरिकता की शर्तों को पूरी करता है 11 वर्ष बाद नागरिकता ले सकता है। 5 से 6 साल में मुस्लिम परिवारों को नागरिकता भी दी गई है। इस कानून के तहत नागरिकता देने का प्रावधान है, ना कि लेने का। इस संशोधन में नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। इस देश को जो भारत माता कहता है वह मजहब से उठकर आए और उसे नागरिकता मिलती है। आजादी के बाद देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था। हमने पहले ही इसका विरोध किया था, अब भी करते हैं। देश अखंड भारत के रूप में जाना जाता है। सीएम ने कहा, अगर विपक्षी को इतनी चिंता है तो आइए सब मिलकर भारतीय संस्कृति को फिर से एकजुट करें, बांग्लादेश पाकिस्तान को फिर से एक कर ले और अखंड भारत का निर्माण करे। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सीएम ने कहा कि देश का खाकर दूसरे देश का गाने वाले देश के हित में नहीं। विपक्ष बेवजह सवाल खड़ा कर रहा है। ये संशोधन पहली बार नहीं हुआ। कांग्रेस के इतिहास को बट्टा बैठा रहे कांग्रेसी नेता, सभी कानून को एक एक कर ठीक किया जा रहा है। सीएम ने कहा, कांग्रेस ने धारा 370 का विरोध किया। कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। हमें पीएम मोदी के बेहतर नीतियों के साथ खड़े रहने की जरूरत है। जबरन धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं होगा। पानीपत से सनी कथूरिया की रिपोर्ट।